पास करूंगा। आइटम नंबर 9। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक मिनट। संविधान 128 व संशोधन विधेयक 2023। माननीय मंत्री जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। विथ योर परमिशन सर, आई मूव दैट द बिल फर्दर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बी टेकन इन टू कंसिडरेशन द कॉन्स्टिट्यूशन 128 अमेंडमेंट बिल 2023। मैं अध्यक्ष महोदय इस बिल की कुछ जानकारियां सदन के पटल पर आपकी अनुमति से रखना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला यह बिल है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने वाला भी ये बिल है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे मैंने कल जिक्र किया था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को जब संविधान बन गया था और उनका अंतिम भाषण था, तो उन्होंने एक चेतावनी दी थी कि 26 जनवरी 1950 को राजनीतिक समानता तो प्राप्त हो जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो असमानता रहेगी उसे आने वाली सरकारों को दूर करना होगा। उन्होंने यह भी कहा था, मैं कोट अनकोट कहना चाहता हूं, 26 जनवरी 1950 को हम परस्पर विरोधी जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति में हमारे यहां समानता होगी और सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक मत के सिद्धांत को मान्यता देंगे। हमारे सामाजिक आर्थिक जीवन में हम अपनी सामाजिक और आर्थिक संरचना के कारण एक व्यक्ति एक मूल्य के सिद्धांत नकारते रहेंगे। इस विरोधापूर्ण जीवन को हम कब तक जारी रखेंगे, कब तक हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से लोगों को वंचित रखेंगे। अब इसके बाद जो सरकारें आई है, बाबा साहब के इस चेतावनी को भी ध्यान में ज्यादा नहीं रखा। ऐसा नहीं है कि उन्होंने योजना नहीं बनाई सामाजिक आर्थिक समानता लाने की, लेकिन जैसे ही 2014 में नरेंद्र मोदी जी आते हैं प्रधानमंत्री के रूप में देश में, उसके बाद से सामाजिक आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए बहुत सी योजनाएं बनाते हैं, जिसका कल मैंने कईयों का जिक्र किया, बहुत सी योजनाएं जिसमें महिला सशक्तिकरण की योजनाएं भी सम्मिलित है। अब टॉयलेट बनते हैं, महिला की गरिमा भी बढ़ती है, जो संविधान की प्रस्तावना में कहा हुआ, महिलाओं को समानता भी मिलती है, एक घर में लाइट एक घर में लाइट नहीं है, एक घर में टॉयलेट एक घर में टॉयलेट नहीं है। तो ये समानता लाने का अधिकार महिलाओं को सबसे ज्यादा 2014 के बाद इसने स्केल भी बढ़ाया, योजनाओं में बजट भी बढ़ाया और स्पीड भी बढ़ी। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक और आर्थिक न्याय का भी उल्लेख है और प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का भी उल्लेख है। आज के इस बिल से महिलाओं की प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, अवसर की समानता भी बढ़ेगी। महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। इसके महत्वपूर्ण चार ऐसे क्लोज हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि इन हम जो इस बिल के माध्यम से अमेंडमेंट कर रहे हैं, इसमें चार महत्वपूर्ण क्लोज हैं। बाकी जो चर्चा होगी उसके बाद जो विषय आएंगे उसका बाद में उत्तर देने का अवसर मिलेगा, आप देंगे तो मैं दूंगा। पहला जो क्लोज है वो संविधान का आर्टिकल 239, उसमें हम एक 239AA जोड़ रहे हैं, जिससे नेशनल कैपिटल दिल्ली की असेंबली में महिलाओं के लिए 33% सीट का रिजर्वेशन सुनिश्चित होगा। ये इट इज ए फर्स्ट अमेंडमेंट क्लॉज है इस बिल में, क्लॉज 2। फिर हम दूसरा क्लॉज 3 जोड़ रहे हैं, जिसमें 330 आर्टिकल जो संविधान का है उसमें 33A एक हम सेक्शन जोड़ रहे हैं, आर्टिकल जोड़ रहे हैं, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए लोकसभा में 33% आरक्षण होगा लोकसभा में। ये बहुत बड़ा कदम है अध्यक्ष जी, बहुत बड़ा कदम है। और तीसरा संशोधन बिल के क्लॉज 4 के अनुसार संविधान के आर्टिकल 332 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 33% सीटों का प्रावधान हम करने जा रहे हैं। और जो चौथा एक क्लॉज है 5,
उसके अनुसार संविधान का आर्टिकल 334 के बाद एक नया आर्टिकल 33A जोड़ा जा रहा है, जिसके अनुसार महिलाओं के लिए ये आरक्षण जो आज ये सदन चर्चा के लिए ले रहा है, ये आरक्षण 15 सालों के लिए प्रभावी रहेगा। 15 सालों के बाद अगर इसको बढ़ाना है तो ये संसद ही तय करेगी, ये संसद को अधिकार रहेगा। और ये जो सीटें हैं जितनी आज है, जैसे जैसे सीटें बढ़ती जाएगी 33% के अनुसार महिलाओं का आरक्षण भी बढ़ता जाएगा। अब मैं थोड़ा सा कि काफी कल भी चर्चा हुई, मैं थोड़ी हिस्ट्री देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो वडोदरा में हुई, उसमें सबसे पहले संशोधन करके महिलाओं को सशक्त करें पार्टी में, इसके लिए 33% महिलाओं से पद भरे जाएंगे, ऐसा निर्णय किया। उसके बाद वातावरण बना, दूसरी पार्टियों में भी प्रेशर आया। अब किया कि नहीं किया मुझे पता नहीं है, लेकिन उसके बाद से भाजपा लगातार लोकसभा और राज्यसभा में 33% सीटें आरक्षित करने के लिए निरंतर प्रयास करती रही। और जब अटल जी की सरकार आई तो बिल लेकर के भी आई, कई बार सर्वसम्मति की बैठकें बुलाई सभी दलों की, कई बार प्रयास अटल जी ने किए, 12वीं लोकसभा के समय 98 में, 13वीं लोकसभा के समय 99 में महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, और उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार 1996 में 11वीं लोकसभा के दौरान एसटी देवगौड़ा के समय भी ये पहली बार प्रस्तुत हुआ। उसके बाद ये कमेटी में चला गया और कमेटी ने रिपोर्ट दी, रिपोर्ट देने के बाद लोकसभा भंग हो गई तो वो बिल भी समाप्त हो गया। मैं ये हिस्ट्री इसलिए देना चाहता हूं कि बाद में फिर यूपीए फर्स्ट के समय 17 दिसंबर 2009 में ये जो कमेटी की रिपोर्ट आई, जो बिल इन्होंने पेश किया मनमोहन सिंह जी के समय, इस रिपोर्ट के बाद 9 मार्च 2010 को ये बिल राज्यसभा में चर्चा के लिए लाया गया। दो दिन चर्चा हुई, चर्चा का दौरान विरोध भी काफी हुआ, कुछ सांसदों ने बिल की कॉपियां भी फाड़ी, लेकिन अंततः राज्यसभा से ये बिल पास हुआ। इसमें भाजपा का सपोर्ट था, भारतीय जनता पार्टी ने खुले मन से सपोर्ट किया था इस बिल का। राज्यसभा में चर्चा तथा पास होने के बाद 12 मार्च को, अध्यक्ष जी जैसा आप प्रक्रिया जानते हैं वो संसदीय परंपरा की, 12 मार्च 2010 को ये बिल लोकसभा में कम्युनिकेट हो गया। लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल ने इसको पढ़ दिया तो ये लोकसभा की प्रॉपर्टी हो गया, और जब प्रॉपर्टी हो गया तो उसके बाद कई बार हम प्रतिपक्ष में थे, उस समय हमने भी डिमांड की कि इस बिल को ले आओ, लेकिन इनको सत्ता सुख का ज्यादा विषय था, इस बिल के बारे में चिंता कम थी, इसलिए बिल लेके नहीं आए। फिर लोकसभा जैसे ही भंग हुई 18 मई 2014 को, तो ये बिल भी लैप्स हो गया। तो लोकसभा में तो कभी इनके पीरियड में चर्चा के लिए नहीं आया। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कल जो अननेसेसरी ये विवाद कर रहे थे, संविधान में साफ लिखा हुआ है आर्टिकल 107 के सब आर्टिकल 5 में प्रावधान है, यदि कोई बिल लोकसभा में लंबित है तो वे लोकसभा के विघटन के साथ ही लैप्स हो जाएगा, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण बिल है, इसमें अगर सर्वसम्मति बने आपके माध्यम से तो बहुत अच्छा रहेगा, सदस्यों के जो सुझाव आएंगे उनको हम जरूर ध्यान में लाएंगे। क्योंकि एक कविता के माध्यम से अभी का भाषण में समाप्त करना चाहता हूं, नारी के बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा है, तुम सृष्टि की आधारशिला, तुमसे मानव को प्राण मिला, संगीत तुम्हारा कण कण में, तुमने जीवन में रंग भरा, तुम मां भी हो और बेटी भी, तुम बहन और अर्धांगनी, तुम प्रेम भी हो और शक्ति भी, तुमसे ही जीवन पूर्ण हुआ। ये बिल पास करो जिससे ये हमारा प्रतिनिधित्व वाला मामला भी पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं चाहता हूं कि चर्चा प्रारंभ की जाए और सर्वसम्मति से बिल को पास करने का प्रयास किया जाए। आपको एक मिनट, आपको पूरी डिबेट पर पर्याप्त मौका दिया जाएगा, उस समय आप विषय रख देना। श्रीमती सोनिया गांधी जी,